पाकिस्तान द्वारा भारत में अवारनवार करवामां आवता हुमलाना विरोध में आजरोज भाजप अल्पसंख्यक मोर्चाना प्रमुख इरफान अहमदी की आगेवानी में ऑल इंडिया सिया सुन्नी फ्रंट द्वारा दिल्ली खाते आवेल पाकिस्तान एम्बेसी सामे विरोध करवामां आव्यो हतो। અને પાકિસ્તાન દ્વારા કરવામાં આવેલ હુમલાઓ બંધ કરવા ઉગ્ર રીતે જણાવવામાં આવ્યું હતું। કોરોનાની મહામારીને ધ્યાનમાં રાખી અલ્પસંખ્યક મોરચાના પ્રમુખ સહિતના લોકોએ વિરોધ કર્યો હતો। આજ જો હે સિયા સુન્ની ફ્રન્ટ પૂરે દેશ કે જો 130 કરોડ નાગરિકોનો ગુસ્સા છે, લેકિન વો કહીને કે ઉનકા ગુસ્સા જો વો કોવિડ કી વજહ સે કોવિડ 19 કી વજહ સે વો દબાવ આયે, જો કે દિલ્હી મે જિસ તરીકે સે યે બઢ રહા હે 7-8 हज़ार जो है वो केसेस आ रहे हैं, तो हर आदमी डरा है, सहमा है। लेकिन सिया सुन्नी फ्रंट के कार्यकर्ता कोरोना को उससे भी ना डरते हुए ये पाकिस्तान को ये सबक सिखाने के लिए और पूरे हिंदुस्तान के आवाम में एक संदेश देने के लिए कि हम सिया सुन्नी यूनाइटेड फ्रंट जो है पूरी तरीके से एकजुट है, और यही नहीं हिंदुस्तान के ही कोने कोने में पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी जाकर जो है लड़ने के लिए तैयार है और उसकी ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। आज जिस तरीके से आपने देखा होगा, दो दिन पहले नागरोटा में इतना बड़ा एक उन्होंने ट्रक भर कर उसमें IED और AK-47 AK-56 गोला बारूद अलग अलग तरीके के जो है हथियार लेकर जो है वो ट्रक पाकिस्तान ने भेजा और उसको जो है उसका जो आज 36/11 दूसरा करने का उसका एक प्लान था, वो हमारी भारत की सरकार ने और इस देश के बहुत ही मशहूर और मशहूर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम ने और गृह मंत्रालय ने इस देश की फौज ने और सेना ने उसको नाकाम कर दिया और उसको नागरोटा में जो है उस ट्रक को रोक कर उन चारों आतंकवादियों को मार गिराया, जिनकी आज जो चैटिंग के जो निकल के आ रहे हैं पूरी मीडिया में चल रहा है आप देखेंगे, तो चैटिंग जो है लास्ट मोमेंट तक जो है कि उधर से क्या हुक्म आएगा आका का और हमने क्या करना है, ये सब चीज़ों का वो पालन कर रहे थे। लेकिन ये हिंदुस्तान की आज जो है फौज, हिंदुस्तान के वजीर आजम और हिंदुस्तान का आवाम पूरी तरीके से एकजुट है और उसकी ऊंची बढ़ाने के लिए तैयार है। ये जिस तरीके की उसने हरकत की है वो 26/11 दोहराना वो चाहता था। इस देश का जो आवाम है, इस देश का जो मुसलमान है, इस देश का सियासी यूनाइटेड फ्रंट है, वो पूरी तरीके से सब एकजुट है और आज उसी के मद्देनजर रखते हुए हमने पाकिस्तान के एम्बेसी का सुदर्शन करने का डेमोस्ट्रेशन करने का प्लान बनाया था। कई बसें जो है उसमें आदमी भरे हुए थे, लेकिन क्योंकि कोरोना की वजह से जो एक पूरे दिल्ली में जिस तरीके से जो है वो इसका इतना प्रकोप बढ़ गया है, इसमें पुलिस प्रशासन ने हमें आगे जाने से रोका और उनको बताने की कोशिश की कि आप 15 से ज़्यादा आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते, इसलिए हमने कानून का पालन करते हुए अपने अभी दो आदमी को आपने देखा होगा पुलिस की जीप में बिठाकर वहाँ पर मेमोरेंडम देने के लिए पाकिस्तान के एम्बेसी में हमने भेजा है, वहाँ से अभी वो आने वाले हैं, तो हमने उन 15 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हुए, पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना पैंडेमिक को मद्देनजर रखते हुए ये प्रदर्शन और अपनी भावनाओं को हमने जो है यहाँ पर प्रकट करने की कोशिश की है।